हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को लैगी बनाना बताएंगे। 1 मीटर कपड़े में 2 लैगी बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने लैगी बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है। ये हमारा होजरी कपड़ा है जिसकी रेडीमेड लैगी आती है। कपड़ा खींचने में बढ़ता है जो, वो वाला कपड़ा है ये हमारा। ये कॉटन कपड़ा नहीं है, ये ब्लैक कलर में हमने लिया है। और ये हमारा कपड़ा 1 मीटर है। जितनी हमारी लैगी की लंबाई होती है उतनी हमने लंबाई ले ली है। और ये कपड़ा हमारा काफ़ी चौड़ा है, इस तरह से डबल पार्ट में है। और ये कपड़ा हमारा कहीं से खुला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल गोल है। जिस तरह से बनियान आती है उस तरह का ये कपड़ा है। तो इस तरह के कपड़े से 2 लैगी बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारा कहीं भी इसका खुला हुआ पार्ट नहीं है इस कपड़े का। तो इससे हम 2 लैगी बनाना बताएंगे। तो कपड़े को पहले हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। जब डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बिल्कुल चिकना और बिल्कुल सीधा करके हम रख लेंगे। और पहले हम अपनी इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। लैगी तो काफ़ी फिटिंग होती है, इसकी चौड़ाई कम रहे ज़्यादा रहे तब भी ये फिटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से पहले हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ आसन का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। सेम यही निशान हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। यहाँ की चौड़ाई 5.5 इंच है, इस साइड हम लगाएंगे सेम वही निशान इस तरह से 5.5 इंच पे। और यहाँ हम 14 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। और इन दोनों निशान को हम एक साथ इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये लैगी का निशान हो चुका है कंप्लीट। लेकिन इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए, यानी कि यहाँ घुटनों पर बैठने में हमारी लैगी टाइट हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा हमें गोलाई देनी होगी। देखिए ये हमारा निशान बिल्कुल आसानी से लग गया है। तो यहाँ हम थोड़ा सा गोलाई देंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्की सी, ताकि घुटने पे हमारा टाइट ना हो। दूसरी साइड भी हम उसी तरह से गोलाई दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से निशान लगा के लैगी की कटिंग करना बहुत ही आसान होता है। और निशान भी आसानी से लग जाता है, कटिंग भी आसानी से हो जाती है। और हमारा कपड़ा भी ऐसा है कि हमें 2 लैगी बनाने में दिक्कत भी नहीं होगी। इस तरह से हम इस निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारे दोनों लैगी की कटिंग हो चुकी है, यानी कि हमारे दोनों पार्ट में दो दो पार्ट का कपड़ा है। यानी कि एक पार्ट से हम 1 लैगी बना लेंगे और दूसरे पार्ट से भी हम 1 लैगी बना लेंगे। ये हमारा 4 कपड़ा है, इसको हम अलग अलग करेंगे तो हमारा ये 4 पीसेज में होगा। इस तरह से हमारी लैगी तैयार होगी। इसमें हम म्यानी लगा लेंगे ताकि हमें उठने बैठने में आसानी हो। तो देखिए, हम इस कपड़े को अलग करके दिखा रहे हैं कि ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है। ये हमारे 4 पीसेज है इस तरह से, यानी कि हमारी 2 लैगी के लिए कपड़ा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हमने म्यानी की कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम लैगी वाले कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे, यानी कि जो हमारे आसन का निशान है, यहाँ जो हमने 14 इंच पे निशान लगाया था, वहीं से हम इस म्यानी को रख करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने दोनों पार्ट में म्यानी के को ज्वाइंट कर लिया है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी ये दोनों म्यानी 2 साइड होनी चाहिए इस तरह से। तो दोनों साइड को हम इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों साइड एक एक सिलाई लगा लेंगे और नीचे फोल्ड कर लेंगे एक सिलाई से। यहाँ नीचे की साइड हम एक सिलाई लगा लेंगे और फिर इसे अपने चौड़ाई के हिसाब से तैयार कर लेंगे सिलाई करके। तो देखिए, हमने अपनी लैगी को तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक आप चाहे जैसी भी लगा सकती हैं। इस साइड में इलास्टिक लगानी होगी। आप चाहे तो चौड़ी इलास्टिक लगा सकती हैं इस तरह से, चौड़ी इलास्टिक, और चाहे तो पतली इलास्टिक लगा सकती हैं, जो चाहें आपकी मर्ज़ी। तो हम इलास्टिक लगा करके इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने लैगी को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दोनों लैगी को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने दोनों लैगी की स्टिचिंग करके हमने इसको तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आज की मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।